हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब? मेरा नाम है लोकेश राज और आप देख रहे हो टेक वेब। तो जैसे कि मैंने आपके ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग की वीडियो में मैंने बताया था कि इस ट्राइपॉड के साथ कोई भी मोबाइल होल्डर या मोबाइल की जो क्लिप होती है जो ट्राइपॉड के ऊपर लगती है वो कोई भी नहीं आती, तो आपको उसको अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। तो मैंने यही कल परसों ऑर्डर किया था, तो वो आज डिलीवरी के लिए आ गया है। वाले और देखते हैं कि ये कितना अच्छा है और कितना काम करता है। इसके साथ साथ आपको बी रोल और पेन भी मिल जाएंगे, तो इसके साथ एक ट्राइपॉड का रिव्यू भी हो जाएगा कि ट्राइपॉड का जो स्मूथनेस है बी रोल बनाने की वो कितनी है और कितना अच्छा ट्राइपॉड है। ओके, सो लेट गेट इनटू द वीडियो। अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा मोबाइल का होल्डर है वो कैसा है और ट्राइपॉड में लगने के बाद वो कैसा काम करता है। ओके, अनबॉक्सिंग करने में बड़ा मजा आता है। इतनी खतरनाक पैकिंग की है, वाह कितना बड़ा आ गया। तो गाइस ये है हमारा होल्डर और ये इसका बिल है, आप देख सकते हैं। इसका प्राइस कुछ है क्या पे 275 इसका प्राइस आप देख सकते हैं। जैसे कि तो 300 रुपये के आसपास का कोई होल्डर पड़ जाएगा और इसका हम ट्राइपॉड पे लगा के इसका कुछ शॉट वगैरह लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। ओके, तो चलिए कुछ आपको मैं शॉट दिखा देता हूँ। सो गाइस हमारे पास ये है एक मोबाइल होल्डर जो कि अभी मैंने मंगाया। तो देखिए अब इसकी क्वालिटी को देख कर तो मैं कहता हूँ कि काफ़ी अच्छी है क्वालिटी। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ देखें और इसका जो बिल्ड क्वालिटी देखें काफ़ी अच्छी है, मजबूत है टूटने में। जो मेरे पास पुराना वाला में जो ट्राइपॉड का ये है वो थोड़ा मतलब छोटा है और उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट इसमें जो रबर दिया गया है जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छा है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि ये प्राइस के हिसाब से थोड़ा महंगा है। कंपनी आप देख सकते हैं इसकी EOSS, सो आई डोंट नो कौन सी कंपनी है ये, मैं जानता नहीं हूँ, इतनी कोई गोल्ड कंपनी नहीं है। बट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 225 का है ये। पहले ये 150-160 का आता था बट अब ये महंगा हो चुका है। सो देख सकते हैं आप इस टाइप का है। तो चलिए अब मैं इसको ये बताता हूँ कि आप इसको ट्राइपॉड पे कैसे माउंट कर सकते हैं और उसमें आपका अपना फ़ोन कैसे माउंट कर सकते हैं। सो अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ले भी सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगा। ओके गाइज, सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट्स दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको ट्राइपॉड पे जो मेरे पास ट्राइपॉड है सिंपल का 333, तो इस पे हम कैसे इसको माउंट करेंगे मैं आपको दिखा दूं। उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूं जो मैंने इस ट्राइपॉड से और इसकी मदद से अपने फोन से शूट किए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या करना है ये दिखाता हूँ। तो गाइस जो हमारा ये फ़ोन का होल्डर है ये हम इसके ऊपर माउंट करने वाले हैं, तो इसको सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो इसका माउंट करेंगे उसको हमें बाहर निकाल लेना है ऐसे, और जो ये बोल्ट बोल्ट है इस पे हमें इसको रख के ऐसे, और जो नीचे का स्क्रू है जो ये स्क्रू आप देख सकते हो ये वाला, इसको हमने रोटेट करना है ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए। सो इसको फुली रोटेट कर टाइट कर देते हैं ताकि ये वीडियो शूटिंग के समय हिले ना। तो आप देख सकते हैं ये एकदम फुली टाइट हो चुका है और इसको हम अब माउंट कर देंगे। ओके, सो माउंट कैसे करेंगे, पहले ऐसे किया हमने और ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम माउंट हो चुका है। अब आप इसमें सबसे पहले आप अपना फ़ोन डालिए और इसको शूटिंग स्टार्ट करिए। तो मैं आपको इसमें फ़ोन डाल कर दिखाता हूँ। मैं इसमें ये लगा बड़ा हूँ फ़ोन, तो हम देखते हैं फ़ोन में इसमें कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फ़ोन को लगा के देख लेते हैं। ओके, सो हमने फ़ोन लगा लिया है। अगर हम कोई भी शॉट लेना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर देखेंगे, हम कैमरा ओपन करता हूँ, मैं माउंट कर दिया है। अब हम कैमरा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अभी यूज़ कैसे करना है। सो जैसे कि अभी इसका बैक कैमरा है देख लीजिए आप ध्यान से। तो अगर आपको बी रोल वगैरह लेना है तो आप वो बिल्कुल ऐसे स्मूथली चलेंगे। ओके, और अगर आपको पेन लेना है तो आप इसको करके आगे आप डायरेक्ट आगे ले जा सकते हो, वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्मूथनेस चाहिए। यहाँ पे आपका इसकी स्मूथनेस वगैरह हार्डनेस वगैरह यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आपको कोई दिख रहा है कितनी इजीली हमने इसको सेटअप कर दिया है,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुश तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।